एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फ्यूजन। लास्ट वीडियो में हमने ट्रिबोनाची सीरीज के बारे में समझा था कि वो सीरीज आप जावा में कैसे सॉल्व कर सकते हो। आज मैं एक डिफरेंट चीज पढ़ाने वाला हूँ। काफी बच्चों की क्वेरी रहती है या डाउट रहता है कि सर सिंटेक्स कैसे लिखा जाता है, क्योंकि अगर सिंटेक्स में कुछ भी गलत होता है तो आपका कोड रन नहीं करता। तो मैंने आज ये वीडियो सिंटेक्स के ऊपर बनाई है। मैं आज आपको फॉर लूप का सिंटेक्स पढ़ाने वाला हूँ और मैं आगे अलग अलग चीजों का सिंटेक्स इसमें डालता रहूंगा। तो आइए आज समझते हैं कि फॉर लूप का सिंटेक्स कैसे लिखा जाता है। मैंने वैसे तो एक सिंटेक्स तो सिर्फ इतना सा होता है, पर मैंने ये शॉर्ट कोड लिखा है ताकि आपको ये समझ में आ सके कि फॉर लूप का सिंटेक्स समझने के बाद उसे प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो आइए उसे समझते हैं। मैंने हमेशा आपको बताया जावा की स्टार्टिंग क्लास से होती है। क्लास को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है जो आपके प्रोग्राम को डिफाइन करता है, आपके प्रोग्राम को एक्सप्लेन करता है। तो मैंने क्लास को नाम दिया है लूप। उसके बाद मैंने लगा दिया कर्ली ब्रेस। कर्ली ब्रेस लगाने में मैंने लिख दिया void main, that is the main function। मेन फंक्शन क्या करता है, आपके पूरे प्रोग्राम की प्रोसेसिंग में आपकी हेल्प करता है। उसके बाद मैंने मेन फंक्शन के अंदर लिया है int n। वो एज पर द क्वेश्चन जो भी आपसे बोला जाएगा, अगर आपको लेना होगा तो आप ले सकते हो, नहीं तो नहीं भी, ये तो बस मैंने समझाने के लिए लिया है। उसके बाद मैंने लगा दिया कर्ली ब्रेस। यहां तक हमारा जो स्टेप वन है दैट इज द सिंटेक्स पार्ट, वो खत्म हो चुका है। अब बारी आती है स्टेप टू की। स्टेप टू में हमें वो वेरिएबल्स लेने होते हैं जो हमारे प्रोग्राम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो हम फॉर का लूप चला रहे हैं, तो लूप चलाने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होता है। तो मैंने इसे लिया है इंट आई। आई हमारे लूप चलाने में हेल्प करेगा। अब समझते हैं बेसिकली कि फॉर लूप का सिंटेक्स है क्या। देखिए, फॉर लूप में तीन स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज इनिशियलाइज, दैट इज इनिशियलाइजेशन। सेकंड कंडीशन चेकिंग। एंड थर्ड स्टेज अपडेट यानी अपडेशन। अब इसको रन कैसे करेंगे, तो मैं इनके लिए शॉर्ट एग्जांपल्स लिख रहा हूं, उन्हें देखिएगा। आई इक्वल्स टू वन, फिर आ गया ये आपका I is lesser than equal to n। फिर ये आ गया, मैंने लिख दिया I plus plus। ये आपका फॉर का लूप इस तरीके से चलता है। मैं स्पेस छोड़िए, जब आप लिखेंगे तो ये स्पेस नहीं छोड़ेंगे। अब सबसे पहले आपको I यानी आपको अपने लूप को जहां से स्टार्ट करना है वो नंबर आप आई के अंदर डाल देते हैं। मैं को वन से स्टार्ट करना था, मैंने वन से डाल दिया। आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, आप कहीं भी से भी लूप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या आता है, कंडीशन चेकिंग। आपको कंडीशन चेक करनी होती कहां तक आपका लूप चलना चाहिए। आई इज लेसर देन इक्वल्स टू एन, मान लीजिए मेरी एन की वैल्यू है -4, तो क्या ये लूप चलेगा। वन इज लेसर देन इक्वल्स टू -4, क्या वन -4 के इक्वल है, क्या 1-4 से छोटा है, तो ये नहीं चलेगा। तो हमें कंडीशन ऐसी देनी होती है जैसे कि 1 से लेके 10 तक का लूप चलाना है। तो आपने 1 से शुरू किया, आपने कंडीशन दे दी आई इज लेसर देन इक्वल्स टू 10, तो इसलिए आप यहाँ पे वो वैल्यू दीजिए जहां तक आपको लूप चलाना है। तो आप इस कंडीशन को चेंज भी कर सकते हैं, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, आई इज लेसर देन एन, आई इज ग्रेटर देन एन। आप अपने हिसाब से कुछ भी कंडीशन जो आपको क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है वो दे सकते हैं। इतना कंडीशन चेक होने के बाद अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम लूप के अंदर आ जाते हैं, यानी इन दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर। इसमें आप अपनी बॉडी दैट इज द कोड लिखते हैं जो आपको सॉल्विंग करनी है। वो कोड सॉल्व होता है जब वो यहां नीचे पहुंच जाता है, लास्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। यहां से हम जाते हैं थर्ड स्टेप दैट इज अपडेशन, जहां मैंने लिखा है आई प्लस प्लस। अपडेट यानी अपडेशन का क्या मतलब है, आपकी आई की वैल्यू 1 थी, आपकी आई की वैल्यू अब इंक्रीज हो डिक्रीज हो क्या करना है वो हम यहां पे करते हैं। आप 1 से कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं, कितना भी डिक्रीज कर सकते हैं, जैसा आपको क्वेश्चन में चाहिए। अगर आपको 1 इंक्रीज करना है तो आप आई प्लस प्लस लिखेंगे, अगर आपको 1 से ज्यादा इंक्रीज करना है तो आप लिखेंगे आई प्लस इक्वल और वो नंबर, जैसे कि 5। मान लीजिए आपको आई को 5 से इंक्रीज करना है, जैसे आपने लिखा आई प्लस इक्वल 5। अब इससे क्या होगा, ये कैसे रन करेगा,
I equals to I plus 5. तो 5 plus I की वैल्यू क्या आपकी 1. 1 plus 5 I में कितना आ जाएगा? I में आ जाएगा 6. तो इस तरीके से वैल्यू इंक्रीज होती है. आप इंक्रीज कर सकते हैं. अगर मैं यहां लगा देता माइनस 5, अगर मैं प्लस किया माइनस लगा देता तो 5 से वो डिक्रीज हो जाती. यहां पे हम थर्ड स्टेप दैट इज अपडेशन की चीज कंप्लीट करते हैं. यहां से हम वापस इधर आते हैं कंडीशन पे. ये एक साइकिल है जो यहां से ऐसे फिर अंदर आएगी, फिर यहां से ऐसे, बस ऐसे ऐसे चलती रहती. कब तक? जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं होती. जब हम वापस यहां पे आएंगे तो अगेन अब हम कंडीशन को समझेंगे, चेक करेंगे कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स. अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आपका लूप फिर से रन करेगा. पर फॉर एग्जांपल अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आप फॉर के लूप के बाहर आ जाएंगे और आपका क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा या क्वेश्चन का कुछ और पार्ट होगा तो वो रन करेगा. तो सिर्फ फॉर लूप का यही सिंटेक्स होता है. तो आई होप कि आपको फॉर लूप का सिंटेक्स ढंग से समझ में आ गया होगा. अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरी ईमेल आईडी और मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. हाँ, गुड डे.